डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 4, 5 और 6 अगस्त 2018 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। और दोस्तों मेरे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू के लिए मैं कल आपका वीडियो नहीं ला पाया और साथ में मेरे गले में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आज थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है कि किसे टेस्ट बल्लेबाजी के लिए आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो सही उत्तर दोस्तों टेस्ट बल्लेबाजी के लिए आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत के विराट कोहली को। तो सही उत्तर है ए यानी विराट कोहली। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यह है भारत के अभी के कप्तान विराट कोहली और इन्हें ही टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन स्थान प्राप्त हुआ है। अब इससे क्या प्रश्न बन सकता है कि विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन प्राप्त करने वाले कितने नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये सातवें बल्लेबाज बन गया, सेवेंथ प्लेयर बन गए हैं टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन होने वाले भारत के। अच्छा ये नंबर वन बने हैं तो इसमें इनके कितने नंबर का शतक था, ये इनका 22वां शतक था, 22nd शतक था, सेंचुरी था इस टेस्ट में और इसी के साथ ये नंबर वन बन गए हैं टेस्ट में। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है, विराट कोहली के बारे में पूछा जा सकता है। विराट कोहली को क्या क्या अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। विराट कोहली को कब मिला है, 2017 में विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसके अलावा आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो रिसेंटली इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला दोस्तों, विराट कोहली को ही मिला है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किसे मिला, विराट कोहली को। किसके द्वारा अवार्ड किया गया था, ये इंग्लैंड के द्वारा अवार्ड जो हुआ था, बर्मी आर्मी के द्वारा अवार्डेड किया गया था विराट कोहली को। इसके अलावा जब क्रिकेट की बात आई है तो बता दूं कि हाल ही में एक प्रश्न मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे फास्टेस्ट 1000 रन पूरे करने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं। तो पाकिस्तान के फखार नजम जो है वो बन गए हैं फास्टेस्ट 1000 रन पूरे करने वाले। कौन है दोस्तों, पाकिस्तान के फखार जमन। उन्होंने कितने मैचों में 1000 रन पूरा किया, 18 इनिंग में 1000 रन पूरा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है अगर पूछा जाए तो उन्होंने विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने विवियन रिचर्ड ने 21 मैचों में 1000 रन बनाया था जबकि फखार जमन जो कि पाकिस्तान के है उन्होंने 18 मैचों में 1000 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न के माध्यम से सारे क्रिकेट के जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको रिलेट करना चाहिए ताकि आपको रिवाइज होती रहे और आपको याद आता रहे। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और यही जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं चाहे वर्ल्ड कप हो या जो भी हो इनको ऑर्गेनाइज कराती है इंटरनेशनली। भारत में जो क्रिकेट बोर्ड है इनका नाम है बीसीसीआई पर इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइज कराती है मैचों को उसका नाम है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जब बात आईसीसी की आई है तो आईसीसी का फाउंडेशन कब हुआ था, हाँ अभी से 109 साल पहले यानी 15 जून 1909 को आईसीसी का फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूनाइटेड अरब इमीरात यानी यूएई में हेडक्वार्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आईसीसी के बारे में कि करेंटली आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो भारत के शशांक मनोहर आईसीसी के करेंटली चेयरमैन है। इसके अलावा सीईओ कौन है आईसीसी के, तो डेविड रिचर्डसन आईसीसी के करेंटली सीईओ है। अच्छा भारत में कौन सी बोर्ड है, वो है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा अगर पूछी जाए कि बीसीसीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1928 यानी 1928 को फाउंडेशन हुआ था बीसीसीआई का। बीसीसीआई के करंटली प्रेसिडेंट कौन है, सीके खन्ना बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा एक और रिसेंट चेंजेस हुआ, आपको पता है कि रिसेंटली भारतीय वुमेन्स टीम के नए कोच सेलेक्ट किए गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन कोच बने वुमेन्स टीम के, रमेश पवार को वुमेन्स टीम का भारतीय वुमेन्स टीम का कोच सेलेक्ट किया गया है और मेन्स टीम का तो आपको पता ही है कौन है, रवि शास्त्री है। इसके अलावा जब क्रिकेट की बात आई है तो आपको पता है कि आईसीसी द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए नेक्स्ट वर्ल्ड कप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया, पूछा जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होने वाला है सबसे पहले जान लीजिए, नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का वो है 2019 में होने वाला है। तो ये कितने नंबर का वर्ल्ड कप, ये 2019 में जो होगा ये 12वां वर्ल्ड कप है, 12th वर्ल्ड कप है। तो कहाँ होने वाला है, ये इंग्लैंड के वेल्स में होने वाला है 2019 में। उसके बाद कहाँ होगा, 2023 में। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 13वां वर्ल्ड कप है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे देश भारत में होने वाला है। तो ये चीजें आप लोग जरूर नोट कर लीजिए और दिमाग में पूरा फिट कर लीजिए।
तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको इतनी सारी जानकारियां मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके पास जो भी ग्रुप है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, उसमें मेरा ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। और आप चाहे तो मेरे से फेसबुक में और मेरे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइनल में पीवी सिद्धू को हराकर किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने 3 बार विश्व चैंपियनशिप जीता है? तो सही उत्तर है कैरोलिना मारिन। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये कैरोलिना मारिन, यही अभी हाल ही में हुए पीवी सिद्धू को इन्होंने हराकर 3री बार बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है विश्व चैंपियनशिप जीत के, और ये इनकी 3री बार जीत है विश्व चैंपियनशिप में। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि इस बार का यानी 2018 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने। तो जैसे देख पा रहे हैं, ये है कैरोलिना मारिन और यही इस बार की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, चैंपियन है। तो इन्होंने कितनी बार जीत दर्ज की है, इसके साथ ये इनका 3री जीत है। तो और क्या प्रश्न बन सकता है, ये कहाँ की है? ये स्पेन की खिलाड़ी है और इन्होंने किसको हराया? भारत के पीवी सिद्धू को हराया। तो जब मैंने बात की कि 3री बार जीत है, तो कब कब इसने जीत दर्ज की? इसके पहले 2014 में इसने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है, 2015 में भी जीता है, और ये 2018 होके ये इनका 3रा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जीत हो गया। टोटल इनके 7 जीते, इसमें से 3 जो है वो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की है और 4 बार जीता है इन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप। तो याद रखिए, अगर पूछा जाए कि इन्होंने कितना बार जीत दर्ज की है, 3 बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है और 4 बार यूरोपियन चैंपियनशिप जीता है। इसी के साथ टोटल 7 जीत दर्ज करने वाली ये वर्ल्ड की पहली महिला बन गई है, पहली इंडिविजुअल महिला बन गई है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम है कैरोलिना मारिन। अच्छा, इन्होंने हराया किसे? भारत की पीवी सिद्धू को हराया है। तो पीवी सिद्धू क्या इसके पहले कभी इन्होंने जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप? नहीं, अभी तक किसी भी भारतीय ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नहीं जीता है। पीवी सिद्धू ने रजत पदक जीता है और पीवी सिद्धू का ये 2रा रजत पदक है। 2017 में इसके पहले पीवी सिद्धू रजत जीत चुकी है और 2018 में इन्होंने रजत जीता है। तो पीवी सिद्धू का 2रा बार रजत पदक विजेता है ये। अच्छा, ये तो रजत है, पीवी सिद्धू ने इसमें कितनी बार कांस्य जीता है? 2 बार कांस्य जीता है, 2013 में कांस्य पदक जीता है और 2014 में कांस्य पदक जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अच्छा, जब बात बैडमिंटन की आई है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, आप बताइए कि हाल ही में जो एशिया जूनियर चैंपियनशिप हुई, बैडमिंटन की जो जूनियर चैंपियनशिप हुई, उसमें किसने जीत दर्ज की? बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में उसने भारत की जो लक्ष्य सेन है, उन्होंने जीत दर्ज की। तो इस तरह से आप लोग एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न को रिलेट करते रहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा याद होगा और आपको करंट अफेयर्स ज्यादा इजी लगने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ मेव जयते अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है, हाल ही में स्वच्छ मेव जयते अभियान लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो सही उत्तर है कर्नाटक। तो जब बात आई है स्वच्छमेव जयते की, तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर में स्वच्छमेव जयते अभियान है क्या। तो ये जो अभियान है, ये ग्रामीण स्वच्छता पे आधारित है, यानी जो ग्रामीण है, वो ग्राम है, जो गांव है, उन पे ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए ये शुरुआत की गई है स्वच्छमेव जयते अभियान। इसके अंतर्गत गाँव में ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए जाएंगे, अवेयरनेस फैलाया जाएगा, ताकि शहरों के साथ साथ ग्रामीण लोग भी स्वच्छता के प्रति ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके। इसे शुरुआत की गई किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के जो अभी डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो कर्नाटक डिप्टी सीएम कौन है? जी परमेश्वरा कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा ये स्वच्छमेव जयते शुरुआत किया गया अभियान का। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा आता है अंतर्गत। अच्छा, जब कर्नाटक की बात आई है, तो कल से क्या प्रश्न बन सकते हैं? आते हैं कर्नाटक को देखते हैं पहले। तो जैसे आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये है कर्नाटका। अब इससे क्या प्रश्न बन सकता है? कर्नाटक का राजधानी कहाँ पे है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसके अलावा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? एसडी कुमारस्वामी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम कौन है? जी परमेश्वरा। और इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई स्वच्छमेव जयते अभियान की। गवर्नर कौन है? वेजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर है।
टोटल लोकसभा सीट कितनी है, 28 लोकसभा सीट है कर्नाटक में। राज्यसभा सीट कितनी है, 12 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा सीट है 225। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। तो जब भी बैंगलोर के बारे में आती है प्रश्न, क्या आना चाहिए दिमाग में आपका, कि सिलिकॉन वैली, भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, बैंगलोर को जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि पहला जो सिटी है भारत का जिन्होंने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है वो कौन सा है, बैंगलोर है, जिन्होंने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। और ये जो लोगो है इसमें कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज में बैंगलोर लिखा हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने बताया आपको कि भारत में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे टॉप जो है कौन सा स्टेट है, वो है कर्नाटका। और इन्होंने भारत में हाल में जो है स्वच्छ मेव जयते अभियान की शुरुआत की है। तो इतने सारे प्रश्न आपको इस प्रश्न के माध्यम से जानने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल AAD का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल AAD का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला है भारत के DRDO। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है DRDO, और इन्हीं DRDO के द्वारा ही हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल AAD का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आता हो, आखिर ये AAD क्या है। AAD एडवांस एरिया डिफेंस सिस्टम है, ये बनाया गया है बैलिस्टिक मिसाइल का, किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO का। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जो कि टारगेट बेस्ड होते हैं, यानी टारगेट स्पेशली कोई फिक्स टारगेट को अचीव करने के लिए इसे बनाया जाता है। इसे लॉन्च करने के लिए पहले लॉन्च कर दिया जाता है और टारगेट फिक्स्ड कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली बाद में टारगेट को अचीव कर लेता है। तो इसी तरह के मिसाइल को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसी मिसाइल की एक रेंज में आती है AAD, यानी एडवांस्ड, ये क्या है, एरिया डिफेंस सिस्टम, यानी ज्यादा से ज्यादा टारगेट को अचीव किया जा सकता है एडवांस तरीके से। ये लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा। जब बात DRDO की आती है तो इससे क्या प्रश्न बन सकता है DRDO से, DRDO का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म है। इसके अलावा क्या बन सकता है, इसकी स्थापना कब हुई, DRDO को 1958 यानी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, संजय मित्रा जी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत बार आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है DRDO के मोटो के बारे में। DRDO का मोटो कौन है, बलस्य मूलम विज्ञानम DRDO का मोटो है, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और हिंदी में कह सकते हैं बल का मूल विज्ञान है, DRDO का जो है मोटो है। और इसी DRDO के द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल AAD का परीक्षण किया गया। अब यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल AAD का परीक्षण किया गया तो इससे एक प्रश्न और बन सकता है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया, इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कहाँ किया गया, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे किया गया। ठीक है, उड़ीसा के कहाँ पे, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पे। तो जब भी व्हीलर द्वीप का नाम आता है आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया। तो हाल ही में उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और जब भी व्हीलर द्वीप की बात आती है एक और प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि अग्नि 5 मिसाइल हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका लॉन्च कहां से किया गया, उड़ीसा के इसी व्हीलर द्वीप से किया गया। इसके अलावा जब उड़ीसा की बात आती है तुरंत दिमाग में आपके एक और चीज आ जाना चाहिए कि उड़ीसा में एक और जो रेंज है, मतलब मिसाइल टेस्टिंग का रेंज है, कौन सा नाम है उसका, उसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर में हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सक्सेसफुली जो है 2016 में लॉन्च किया गया। तो डायरेक्टली कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चांदीपुर कहाँ पे है, तो चांदीपुर है उड़ीसा में। तो इस तरह से आप लोग सारे प्रश्नों को रिलेट करते रहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में $1 trillion के बाजार मूल्य वाली US कंपनी कौन सी बन गई है। तो आप लोग सोच सकते हैं 1 trillion बाजार मूल्य वाली कंपनी कौन सी बन गई है, वो है एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी के बारे में आप लोग सुना होगा, एप्पल के आईफोन आते हैं, एप्पल के टैबलेट्स आते हैं, एप्पल के कंप्यूटर आते हैं। तो सही उत्तर है एप्पल। एप्पल कंपनी जो है हाल ही में $1 trillion वाली US कंपनी बन गई है। तो ये एप्पल कंपनी का सिंबल है। तो इससे क्या प्रश्न बन सकता है, एप्पल कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है। जब एप्पल चर्चे में है तो डेफिनेटली इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो एप्पल का फाउंडेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1976 में एप्पल का फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, US के कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कौन सी किसने की थी, स्टीव जॉब्स, स्टीव बोजनियाक समेत 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसने, स्टीव जॉब्स मेन इसके संस्थापक थे। इसके अलावा उनके साथ थे स्टीव बोजनियाक और रोनाल्ड वेने, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी।
अच्छा, ये तो हुए संस्थापक की बात। इसके अलावा अगर इसके सीईओ के बारे में पूछ लिया जाए कि हु इज द सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी, तो टिम कुक एप्पल कंपनी के सीईओ है। तो जब बात सीईओ के आती है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ये फाउंडर भी है फेसबुक के और सीईओ भी है। गूगल के सीईओ कौन है? भारत के सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। तो इस तरह से आप लोग जब भी देखिए दूसरे कंपनी देखे, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सीईओ के बारे में। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टॉप जितने भी कंपनीज हैं वर्ल्ड के और इंडिया के, उसके सीईओ का एक लिस्ट ला दूंगा। आप लोग जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भौगोलिक संकेतों के लिए लोगो, याद रखिए लोगो है LOGO, लोगो और टैगलाइन किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है हाल ही में भौगोलिक संकेतों के लिए यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया है क्या लोगो और टैगलाइन। तो ये लॉन्च किया है सुरेश प्रभु ने। तो सुरेश प्रभु कौन है दोस्तों? भारत के अभी के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। इन्होंने ही भौगोलिकल संकेतों यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का लोगो और टैगलाइन लॉन्च किया है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है उनका लोगो जिसका नाम है GI लोगो एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लोगो एंड स्लोगन। तो ये तो क्लियर हो गया, ये हो गया लोगो। तो इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन है इसका इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न में डायरेक्ट आ सकता है कि भौगोलिक संकेतों का स्लोगन क्या है। तो अतुल्य भारत की अतुल्य निधि यानी इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इज द लोगो इज द स्लोगन ऑफ GI लोगो। ठीक है, तो GI के फुल फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया, कौन है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लोगो। तो आप डेफिनेटली आपके मन में ये बात भी आ सकता है कि आखिर में ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या और क्यों हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि भारत में कुछ जो भी स्पेशल चीज होती है किसी भी प्लेस की किसी भी जगह की जो स्पेशलिटी होती है उसे दर्शाने के लिए ये GI लोगो तैयार किया गया या GI का उसे टैग दिया जाता है GI टैग। इससे क्या होता है कि उस जगह की स्पेशल पहचान बनती है, उसे उस जगह के लोग जानते हैं और उससे अवेयरनेस फैलती है उस जगह के बारे में। तो इसी तरह से इसी कारण से इसका GI लोगो और स्लोगन दिया गया, किसके द्वारा? भारत की जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है सुरेश प्रभु के द्वारा बनाया गया। जैसे कि हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रही कि दोनों ही राज्य बोलते थे कि रसगुल्ला, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला बहुत ही फेमस है, तो इस रसगुल्ले को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी ली, अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल की जीत हुई और ये GI टैग मिल गया पश्चिम बंगाल को। यानी जब भी रसगुल्ले की बात आएगी पूरे देश में तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे किसके बारे में, तो रसगुल्ले को जानेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में यानी वेस्ट बंगाल के बारे में। यानी विदेश से कोई अगर आता है उसे रसगुल्ले के बारे में जानना होता है कि इंडिया में सबसे बेस्ट रसगुल्ला कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में डेफिनेटली उसके दिमाग में आ जाएगा क्योंकि उसे GI टैग मिल गया है। जब बात तुरंत पश्चिम बंगाल की बात आते ही तुरंत आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये प्रश्न कि पश्चिम बंगाल यानी हाल ही में पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करने के बारे में जो सेंटर को एक रिपोर्ट भेजा गया, क्या नाम चेंज करने के लिए बताया गया? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बांग्ला रखा जाएगा BANGLA, अगर इसे सेंटर का परमिशन मिल जाता है। तो तुरंत जैसे ही कोई स्टेट का नाम आता है उससे रिलेटेड प्रश्न आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल का GI टैग हो जाता है कि इसका कौन सा? रसगुल्ला। इसी प्रकार से जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश के एक स्पेशल मुर्गे को GI टैग मिला है, कौन सा? कड़कनाथ मुर्गा। तो इस तरह से किसी जगह की किसी स्पेशल चीजों को GI टैग दिया जाता है। और GI लोगो और स्लोगन हाल ही में लॉन्च किया गया है, और स्लोगन कौन सा? अतुल्य भारत अमूल्य निधि जिसका स्लोगन है, जो कि सुरेश प्रभु के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, याद रखिए दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो सही उत्तर है हाल ही में जापान दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हम लोगों ने बात की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार है जापान। तो पहला कौन सा है? पहला है अमेरिका यानी US, दूसरे नंबर पे कौन है? जापान। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है चाइना। पहले दूसरे नंबर पे चाइना था, तीसरे नंबर पे जापान था, पर हाल ही में जापान ने चाइना को पीछे कर दिया है और पहले नंबर पे US, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे चाइना आ गया है। तो जब बात आई है शेयर बाजार की, तो कितने डॉलर की है? तो US का जो टोटल शेयर बाजार है वो 31 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि अगर जापान की बात करें तो 6.17 ट्रिलियन डॉलर का है जापान का, और अगर चाइना की बात करें तो 6.09 ट्रिलियन डॉलर का शेयर बाजार है। ठीक है, तो बात आती है जापान की, तो जब भी जापान की बात आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए?
तो जैसे आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये है जापान, पैसिफिक ओशियन के पास ये है जापान। तो जापान के पास बात आती है तो जापान की कैपिटल कौन सी है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो जैसे ही टोक्यो का नाम आता है आपके दिमाग में तुरंत क्या जाना चाहिए, टोक्यो किससे रिलेटेड है, अभी क्यों टोक्यो ज्यादा है, क्योंकि ओलंपिक जो है वो टोक्यो में होने वाला है। कितने नंबर का ओलंपिक होने वाला है, 2020 का 32वां ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में। तो जब भी फिर से टोक्यो का नाम आता है तो दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे कि हाल ही में टोक्यो आया किस लिए और ज्यादा चर्चे में, क्योंकि टोक्यो में ही हाल ही में जो ओलंपिक है उसके ओलंपिक के मस्कट को डिक्लेरेशन किया गया कि 2020 में जो ओलंपिक होगा और उसके बाद जो समर ओलंपिक होगा और विंटर ओलंपिक दोनों के किसके ऑफिशियल मस्कट के बारे में जो है वो डिक्लेरेशन की गई, मतलब क्या होगा ऑफिशियल मस्कट टोक्यो के। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है कि क्या है, कौन होगा ऑफिशियल मस्कट समर ओलंपिक का और विंटर ओलंपिक का, क्या घोषणा की गई, दोनों ऑफिशियल मस्कट के नाम और उसके मीनिंग मुझे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32वां हो जाएगा टोक्यो में। तो 33वां कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा। 34वां ओलंपिक कहाँ पे होगा, वो अमेरिका में होगा। तो तुरंत इस तरह से रिलेटेड करके आपके दिमाग में प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम लोग जापान की, तो जापान की राजधानी होगी टोक्यो जहाँ पे ओलंपिक होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है, शिंजो आबे। तो जैसे ही शिंजो आबे का नाम आता है तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए कि शिंजो आबे भारत आए थे, किस लिए आए थे, भारत में बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की शुरुआत किसके कोलैबोरेशन से कर रहा है भारत, जापान की सहायता से, जापानी टेक्नोलॉजी को यूज करके भारत बुलेट ट्रेन बना रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। तो शिंजो आबे हो गए प्रेसिडेंट, इसके वाला सॉरी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट कौन है, चियोची डेट, स्पेलिंग बता दो दोस्तों, CHUCHI, चियोची DATE, डेट जो है ये प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जापान की करेंसी कौन है, येन, YEN जापान की करेंसी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 में पारित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, याद रखिए तो यह विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आपको बताना है उस राज्य के नाम जहाँ पे राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, वो है मणिपुर, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है मणिपुर, वहाँ पे ये प्रपोज किया गया कि ये विधेयक को पास कर दिया गया कि 2018 के अनुसार कि जो राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा मणिपुर में, यानी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2018 के अनुसार विधेयक में पास कर दिया गया लोकसभा में कि अब राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया जाएगा। और इस विश्वविद्यालय से कौन से डिग्री मिलेगी, डिग्री कोर्सेज मिलेगी, इसके साथ डिप्लोमा मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेशन कोर्स होगी स्पोर्ट्स के लिए। तो भारत का कंप्लीटली फुल फेज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एकमात्र है वो है मणिपुर में बनाया जाएगा। तो जब भी मणिपुर की बात आएगी डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आना चाहिए मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। इसके अलावा मणिपुर के CM कौन है, एन वीरेन सिंह जो मणिपुर के अभी चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा गवर्नर कौन है, तो नज़मा हेब्दुल्ला गवर्नर है। और जब भी नज़मा हेब्दुल्ला की बात आती है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2017 का उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार किसे दिया गया, वो है नज़मा हेब्दुल्ला को। नज़मा हेब्दुल्ला को 2013 के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। इसके अलावा 2014 का हुकुमदेव शिम को, 2015 का गुलाम नबी आज़ाद को, 2016 का दिनेश त्रिवेदी को, और इसके अलावा 2017 का भर्तृहरि मेहता को क्या मिला, उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि किसके रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारत की GDP यानी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है GDP वृद्धि रेट 7.5 रहने की अनुमान है। तो सही उत्तर है मॉर्गन स्टेट जो स्टेनली के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के बाद जो है अनुमानित भारत की GDP 7.5 रहने की अनुमान है। ये रिपोर्ट किसके दिए गए, ये रिपोर्ट दिया गया मॉर्गन स्टेनली के द्वारा। तो डेफिनेटली इसके बारे में जानना जरूरी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में मॉर्गन स्टेनली की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसके CEO कौन है मॉर्गन स्टेनली के, जेम्स पी गॉर्मैन CEO है मॉर्गन स्टेनली के। मॉर्गन स्टेनली क्या है, अमेरिकन मल्टीनेशनल एक फाइनेंशियल बैंक है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक तथा एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ये मॉर्गन स्टेनली। और इसी की रिपोर्ट के अनुसार से भारत की GDP जो है अनुमानित 7.5 रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन बन गया है। तो सही उत्तर है हिंदी बोलने वाला भारत का पहला रोबोट का नाम रखा गया है रश्मि। और ये रोबोट जो है भारत द्वारा डिजाइन किया गया है, भारत के छत्तीसगढ़ के रंजीत श्रीवास्तव द्वारा ये डिजाइन किया गया है। रंजीत श्रीवास्तव एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और इन्होंने इस रश्मि नामक रोबोट का डिजाइन किया है। और इनका ये दावा है कि ये रोबोट जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हिंदी भोजपुरी और इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन कर पाएगा। तो इसी के साथ विश्व का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट बन गया है रश्मि। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना लागू की है।
तो सही उत्तर है युवा नेस्तम योजना लागू करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना लागू की गई है। तो ये डेफिनेटली मन में प्रश्न आएगा आखिर में मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना क्या है। ये बेरोजगार युवकों के लिए है, स्पेशली जो है 22 साल से 35 साल तक के वर्ष के बेरोजगार युवक के लिए ये बनाई गई है। इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 1,000 रुपये प्रति माह। अब आपका आज का क्विज का प्रश्न है, आपको बताना है